कभी नहीं बचते हैं इस घड़ी में 12। जानिए क्या है मामला। ये तो हम सब जानते हैं कि घड़ी में 12 बजते ही दिन में बदलाव आता है। रात में 12 बजते ही दूसरे दिन की शुरुआत हो जाती है, वहीं दिन के 12 बजते ही दूसरा पहर लग जाता है। कुल मिलाकर हर घड़ी में 12 जरूर बजते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी घड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें 12 कभी नहीं बजते हैं। जी हाँ, ये सच है। ये घड़ी स्विट्जरलैंड देश सोलोथर्न शहर में है। यहाँ पर एक ऐसी घड़ी है जहाँ कभी 12 नहीं बजता है। इस शहर के टाउन स्क्वायर पर एक घड़ी लगी है। उस घड़ी में घंटे की सिर्फ 11 सुइयां हैं, 12 उसमें से गायब है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, तो बताते हैं। दरअसल इस शहर की सबसे खास बात यह है कि इस शहर के लोगों को 11 नंबर से काफी प्यार है। यहाँ की ज्यादातर चीजों का डिजाइन इस नंबर के आसपास ही घूमता है। यहाँ चर्चों और चैपलों की संख्या भी 11 से 11 है। ऐतिहासिक झरने, संग्रहालय और यहाँ तक की टावर भी 11 नंबर के हैं। यहाँ तक कि यहाँ के सेंट उर्सुस के मुख्य चर्च में भी आपको 11 नंबर के प्रति लोगों का प्यार नजर आ जाएगा। ये चर्च 11 साल में बनकर तैयार हुआ था। इधर की सीढ़ियों का सेट 3 है, जिसमें हर सेट में 11 पंक्तियाँ, 11 दरवाजे, 11 घंटियाँ और 11 वेदियाँ हैं। इस नंबर के प्रति लोगों में इतना लगाव है कि यहाँ हर चीज में 11 नजर आ ही जाएगा। लोगों के जीवन में भी 11 नंबर का खास महत्व है। यहाँ के लोग बचकर 11वें जन्मदिन पर खास तरह से सेलिब्रेट करते हैं। जन्मदिन के मौके पर दिए जाने वाला प्रोडक्ट भी 11 नंबर से जुड़ा है, जैसे ऑफी बियर यानी बियर 11, ठठाई चॉकलेट। 11 नंबर के प्रति लोगों का लगाव के बारे में यहाँ कुछ पौराणिक मान्यता है। एक मान्यता के अनुसार एक समय में सोलोर्थन के लोग काफी मेहनत करते थे। काफी काम करने के बावजूद उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं थी। इस बीच यहाँ की पहाड़ियों से एल्फ आने लगे और यहाँ के लोगों का हौसला बढ़ाने लगे। एल्फ के आने से उनके जीवन में खुशहाली आने लगी। जर्मनी भाषा में एल्फ का मतलब 11 होता है, इसलिए यहाँ के लोगों ने एल्फ को 11 नंबर से जोड़ दिया। उनके एहसानों को याद करने के लिए लोगों ने 11 नंबर को महत्व देना शुरू कर दिया।